पवन सिंह के गाने की जितनी चर्चा हो रही है, होली वाले सॉन्ग ने जितना धूम मचाया है, यूट्यूब के ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपको बता दें कि उतनी ही चर्चा पवन सिंह के साथ इस एल्बम में जो हीरोइन है लॉरेन, उनकी भी हो रही है। लॉरेन का जन्म 8 जून 1988 में अमेरिका में हुआ है। वो अमेरिका में ही पली बड़ी हैं और आपको ये बता दें कि अपनी स्कूलिंग ही करते करते लॉरेन वहीं से जो उनका एक ख्वाब था डांसर बनने का, वो बचपन से एक बहुत ही बेहतरीन डांसर बनना चाहती थी, वो शुरू हो गया। लॉरेन ने अमेरिका की बेहतरीन डांसर्स और कई बेहतरीन सेलिब्रिटी के साथ काम किया, उसमें से शकीरा, रिहाना, मारिया केने और ब्रिटनी स्पेयर भी हैं। जी हाँ, इन सब के साथ तो लॉरेन ने स्टेज शो तक किया है। खैर, अब लॉरेन में काम की और भूख बढ़ती है और अपने काम को वो अमेरिका में कर तो रही थी, लेकिन उन्हें वो फेम नहीं मिल रहा था जिसकी वो चाहत रख रही थी। तो उन्हें उनके किसी फ्रेंड ने कहा कि तुम इंडिया क्यों नहीं चली जाती, आजकल बॉलीवुड में बहुत सारा काम है। इंडिया का नाम सुनते ही लॉरेन को कुछ अच्छा साउंड किया, सोने पे सुहागा ये हुआ। उसी वक्त डांस गुरु रेमो डिसूजा अपनी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म बना रहे थे, ABCD। जी हाँ, और इस फिल्म में उन्हें एक ऐसी डांसर चाहिए थी जो कि उनके इस रिदम को पकड़ सके, जो डांस के फील को पकड़ सके। और जैसे ही उन्होंने लॉरेन को देखा, उन्हें लगा कि वो चेहरा कोई और नहीं लॉरेन ही है। उन्होंने तुरंत ही लॉरेन को अपनी फिल्म में साइन कर लिया और साथ ही साथ यह फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। लॉरेन का नाम भी हुआ और इसका फ़ायदा भी लॉरेन को हुआ। लॉरेन ने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया, डांस रियलिटी शो है, आप सभी को पता है। लॉरेन ने फिर झलक दिखला जा पार्ट 6 में पार्टिसिपेट किया और नंबर 2 तक, यानी कि टॉप 2 के पोजीशन तक लॉरेन बनी रही। फिर वहाँ से उन्होंने कई स्टेज शो ऑफर हुए, उन्होंने कई स्टेज शो किए इंडिया में, फिर कई ऐसे शोज किए जहाँ लॉरेन एक मेंटोर की तरह काम की। लॉरेन की डांस करने की जो स्टाइल थी वो बॉलीवुड के हर एक डांसर को पसंद आती, फिर वो चाहे टाइगर श्रॉफ हो, वरुण धवन हो, ऋतिक रोशन हो, सभी को लगता कि लॉरेन बहुत ही बेहतर डांसर हैं और उन्हें और भी आगे जाना चाहिए। इसी बीच वरुण धवन को लेकर रेमो डिसूजा ने अपनी दूसरी फिल्म ABCD 2 अनाउंस की और इस फिल्म में भी एज यूजुअल एक चेहरा कॉमन था, वो था लॉरेन का। जी हाँ, लॉरेन इस फिल्म में भी थी और उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से अपना किरदार निभाया। लेकिन लॉरेन के लाइफ में गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। जी हाँ, इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे जो कि फिल्म रिलीज होने के बाद जब लॉरेन ने फिल्म देखी, लॉरेन के सीन के काटे जाने पर लॉरेन और रेमो डिसूजा में इसे लेकर बहस भी हुई और फिर शुरू हुआ लॉरेन का उस तरफ जाना जिस तरफ शायद ही कोई जाना चाहता हो। लॉरेन अपने करियर के पीक पर थी और बॉलीवुड के कई बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन सिर्फ एक गलत आदत ने बने बनाए करियर को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, लॉरेन को लत लग गई थी शराब और ड्रग्स की। लॉरेन इसका खुलासा मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में करती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने ABCD 2 से अपने कुछ बहुत ही बेहतरीन सीन को काट दिए जाने पर एतराज़ जताया। साथ ही साथ यहाँ पर लॉरेन ये भी कहती हैं कि उनसे कई बहुत बड़ी गलतियाँ हुई और उनमें से ये गलती थी कि अपनी जो उदासी, अपनी जो कमजोरी है उसे छुपाने के लिए उन्होंने शराब का और ड्रग्स का सहारा लिया। लॉरेन ने यहाँ बताया है कि अपनी फ्लाइट में कई मर्तबा वो रोती भी थी,
जब वो सफ़र करती थी उनके साथ कोई नहीं हुआ करता था तो वो बेवजह रोने लगती और फिर जैसे ही कोई मिलता उसे अच्छा दिखाने के लिए वो हंसने भी लगती। उन्हें ऐसा लगता कि उनसे कोई चीज़ छीन कर लेके जा रहा है और लॉरेन कहती वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहती, लेकिन फिर भी अपना मन मार कर वो लोगों को ये दिखाती कि नहीं वो बहुत अच्छा फील कर रही हैं। लोगों को अच्छा महसूस कराने के चक्कर में वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से इतनी दूर चली जा रही थी कि वो कहीं खो सी गई थी। लॉरेन ने कहा कि कुछ चीज़ें गलत तो हो रही थी लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आए। और तभी वो फैसला करती है कि वो अपने देश वापस चली जाएंगी क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से निकलना था। वो यहाँ मेंशन करती हैं कि अगर इंडिया में वो किसी को अपने परिवार जैसा समझती थी तो रेमो डिसूजा उनमें से एक थे। यहाँ पर लॉरेन कहती हैं कि वो जल्द से जल्द इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि वो दिन ब दिन घुट रही थी, रो रही थी, लोगों के सामने प्रिटेंड कर रही थी कि वो अच्छी हैं पर वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्होंने यहाँ मेंशन किया ये सारा दौर तभी भी था जब मैं झलक दिखला जा को एज अ जज होस्ट भी कर रही थी। लॉरेन ने जब अपने देश जाने का फैसला लिया तब उन्होंने ये फैसला भी अंदर से ले लिया था कि उन्हें नशा से किस तरह निजात पाना है। लॉरेन सभी चीज़ों से दूर हो गई। वो भले ही हर माध्यम से अपने लोगों से दूर रहेंगे लेकिन किसी न किसी माध्यम से अपने लोगों से यानी कि अपने फैंस से जरूर जुड़ी रहेंगी। इसलिए इसका सहारा उन्होंने सोशल मीडिया पर ढूंढा और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा एक्टिव रखा। अपने फैंस को वो बताती रहीं कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं। अपने उस बुरे दौर से निकलने के लिए हर एक कोशिश की लॉरेन ने। आपको ये बता दें कि उनके अंदर का स्ट्रॉन्ग विल पावर ही था कि उन्हें ड्रग्स का आदि बना चुका ये पूरा शरीर उनका उन्हें इसी से निकल धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिहैब सेंटर ने वो काम कर दिखाया जो लॉरेन को चाहिए था। यहाँ लॉरेन मेंशन करती हैं कि उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया, उन्होंने हर एक वो थेरेपी का सहारा लिया जिससे वो अपने दिल और दिमाग को शांत कर सके। लेकिन वो वक्त भी आया जब उन्होंने अपने खुद से वादा किया कि वो ज़रूर निकलेंगी, अपनी ज़िंदगी को एक मौका और देंगी। और अब लॉरेन पूरी तरह से सही हैं और जब लॉरेन को लगा कि अब वो पूरी तरह से सही हैं तो उन्होंने फिर से इंडिया वापसी की। यहाँ आने के बाद फिर से उन्होंने नए सिरे से काम करना शुरू किया। हाँ, परेशानियाँ तो आई क्योंकि लॉरेन पूरे 2 से 3 साल तक गायब थी। किसी को तो पता ही नहीं था कि लॉरेन है कहाँ आखिर। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर मेहनत सही दिशा में करो तो वो रंग ज़रूर लाती है। ठीक उसी तरह से लॉरेन ने अपनी मेहनत जारी रखी और फिर उनके हाथ लगा पवन सिंह का डेब्यू हिंदी होली सॉन्ग कमरिया हिला रही है। लेकर लॉरेन काफ़ी एक्साइटेड थी और उनकी एक्साइटमेंट का ही असर है कि इस होली सॉन्ग ने आते ही धमाल मचा दिया है। खैर, ये वीडियो तो हमने अपने फैंस के लिए ही बनाया था, वो लॉरेन के बारे में जानना चाहते थे सो भाई हमने लॉरेन के बारे में भी बता दिया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।